चोरी के आरोपियों का पीछा करने के दौरान ब्यावर के पास गोटन पुलिस की गाड़ी पलटने से सड़क हादसे में शहीद हुए कांस्टेबल सुखराम बावरी का शव आज मेड़ता थाने पहुंचा। थाना परिसर में सुखराम बावरी को पूर्णतः राजकीय सम्मान के तहत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी व पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी गई। सुखाराम बावरी पूर्व में मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के सुरक्षा गार्ड रह चुके थे। हाल ही में सुरक्षा गार्ड के स्थान पर उनका तबादला गोटन थाने में किया गया। इसी दौरान गोटन के चोरी के फरार आरोपी के पीछा करने के दौरान ब्यावर के पास यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें कल रात को सुखराम बावरी की मौत हो गई। श्रद्धांजलि सभा में विधायक इंदिरा देवी बावरी ने अपनी नम आंखों से सुखराम बावरी को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर मेड़ता पुलिस उपाधीक्षक विक्रम सिंह भाटी, थानाधिकारी नरपत सिंह चारण, गोटन थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी, मेड़ता प्रधान संदीप चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी, बावरी समाज के अध्यक्ष दीनाराम बावरी, सरपंच प्रतिनिधि श्याम तिवारी, डांगावास गांव के सरपंच प्रतिनिधि नेमाराम सहित मेड़ता थाना के जवानों और गणमान्य नागरिकों ने शहीद सुखाराम बावरी को अंतिम विदाई दी। गोटन थाना क्षेत्र के चोरी के आरोपी की सूचना मिलने पर गोटन थाना से का एक गाड़ी ब्यावर पहुंची थी। उसी दौरान पीछा करते समय यह हादसा घटित हुआ, जिसमें कुल गोटन थाना के चार जवान घायल हुए थे। उन्हीं में से सुखराम बावरी की कल मौत हो गई। मौत के पश्चात आज इनको सम्मान मेड़ता लाया गया, जहां मेड़ता में इनका पूर्णतः गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। सुखराम कांस्टेबल तैनात थे। कल मुलजिम तलाश में टीम गई हुई थी, वाहन का एक्सीडेंट हो गया था ब्यावर के पास में, उसमें कैजुअल्टी हुई, सुखराम की मृत्यु हो गई। आज उनका पोस्टमार्टम करवाकर गांव फोड़ोल अंतिम दाह संस्कार के लिए सब ले जा रहे हैं। बीच रास्ते मेड़ता सिटी में, क्योंकि सर्किल हेडक्वार्टर है उनकी, यहाँ पोस्टिंग भी रही मेड़ता सिटी, यहाँ हमारे थाना स्टाफ द्वारा, गोटन स्टाफ द्वारा, ट्रैफिक यातायात पुलिस मुलाजमानों द्वारा और विधायक महोदय, प्रधान महोदय और हमारे गणमान्य नागरिक, आम जनता ने बड़ी हसीबत श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब यहाँ से फोटो के लिए रवाना।